इस वीडियो में टाटा पावर से रिलेटेड तीन बड़ी अपडेट्स डिस्कस करेंगे। टाटा पावर के टारगेट्स अभी ही डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को क्या होने वाला है और क्या ये 28 तक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि 28 को कई सारे लोगों की ऑप्शन की सेलिंग है, ऑप्शन की एक्सपायरी है और कई सारे लोगों ने ऑप्शंस बाय करके रखे हैं और वो भी कॉल ऑप्शंस बाय करके रखे हैं। बड़ा लाखों का घाटा हो रहा है। एक बात बताना चाहूँगा, दिस डेटा इज फॉर ऑफ वन ईयर। अगर आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज की ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है और वहीं पर अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करता है ये, और जैसे ही ऊपर जाता है बाउंस बैक उस स्टॉक के अंदर ज़रूर की ज़रूर आ जाता है। और वहीं पर अगर हम अभी देखें तो अभी करंटली स्टॉक की प्राइस कुछ ऐसी चल रही है कि वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा दूर चले गया है। 50 डे मूविंग एवरेज इसका कुछ 166 पर है और वहीं पर अगर स्टॉक की प्राइस देखो तो स्टॉक की 222 है। सो डेफिनेटली वी कैन सी अ डाउनसाइड इन द स्टॉक। मैंने ये कहा है कि अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो, ह्यूज क्वांटिटी में बाय मत करना। वरना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर कल ही के दिन, मंडे ही के दिन इसके अंदर जो है इंट्राडे करके शॉर्ट सेल कर दो या फिर पीई बाय कर लो। मैं ये नहीं कह रहा, ये बस मेरा एक ओपिनियन है कि ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा। बट और एक सेंटीमेंट नेगेटिव जो दिख रहा है, जो मैंने अपनी पिछले दो वीडियोस के अंदर कंटिन्यूसली रिपीट किया, वो ये है कि इसके एनटीपीसी का ऊपर का जो रिवॉल्ट है वो है। सो अगर एनटीपीसी की तरफ से और टाटा पावर की तरफ से कोई भी अभी अपडेट नहीं आता है तो बाजार टेंस्ड तो रहेगा और मार्केट में इसके अंदर नेगेटिव मोमेंट तो जरूर की जरूर आएगी ही। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो आपको नीचे के लेवल पर मिल जाएगा। येट इफ यू वॉन्ट टू बाय इन ऑन मंडे, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। दिस इज नॉट माई सजेशन, दिस इज माई एनालिसिस दैट आई एम पुटिंग फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू। आपको खुद की एनालिसिस करनी है, खुद के बारे में डिस्कस करना है, देन यू कैन जस्ट जंप इन द स्टॉक और एल्स यू कैन जस्ट टेक अ सजेशन ऑफ पीपल दैट इज देयर इन आर टेलीग्राम ग्रुप। सो वहां पर लोग आपको सजेस्ट भी कर देंगे। अगर आप अपना ओपिनियन रखोगे, लोग भी अपना ओपिनियन रखेंगे एंड टेकिंग ओपिनियन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल इज वे बेटर देन डूइंग रॉन्ग थिंग्स एंड गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द मार्केट। एंड इवन दिस प्रिंसिपल अप्लाइज इन योर लाइफ। सो डेफिनेटली कहना चाहूंगा 210 तक मुझे पर्सनली लगता है कि ये आएगा या फिर उसके नीचे भी आ सकता है 28 तक। अभी अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है सो आई विल टेल यू कि आपको लॉस तो होने ही वाला है और वैसे भी हो रहा ही होगा। सो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो वरना अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम हमारी अपडेट्स की तरफ। हमारी पहली बड़ी अपडेट मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। वो लोग एनर्जी सेक्टर के अंदर क्लीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। एक और एक नया रूल आया है सो उसके हिसाब से भी आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, प्लस अपने स्टॉक के अंदर सारी चीज़ें लगाकर देख सकते हो, आप उसके अंदर अपने एनालिसिस को और बूस्टअप कर सकते हो। अगर आप ये न्यूज़ को भी पढ़ो तो ये भी कई अच्छी तरह से अदानी पावर और टाटा पावर दोनों के लिए ही बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। क्योंकि अदानी की तरफ से देखें सो अदानी की तरफ से हमें अदानी ग्रीन दिखता है और वहीं पर अगर हम टाटा की तरफ से देखें सो टाटा पावर सोलार दिखता है। सो दोनों ही स्टॉक में एक महारत हासिल हुई है। सो आप देख लीजिए कि कौन से स्टॉक के अंदर ये ज़्यादा फिट बैठता है। वो खैर वो तो मैं वीडियो के एंड में बता ही दूंगा कि ये सबसे ज़्यादा फिट किस में बैठता है। हालांकि अगर हम देखें तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा दोनों ही स्टॉक को फायदा देने वाला है। अगर हम बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑन संडे, देख सकते हो आज ही की डेट है, ऑन संडे अनाउंस किया इन्होंने, नए रूल्स अनाउंस किए जो इकोनॉमिक वायबिलिटी को, ये पूरे सेक्टर की इकोनॉमिक वायबिलिटी को सस्टेन करेगी, ओनली बिकॉज मोर और मोर कंज्यूमर्स आर गेटिंग अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड पीपल टू आर गेटिंग टूवर्ड्स दिस ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक का लोगों को भूत चढ़ाता वो तो था ही और अभी यहां पर ये भी आ चुका है, किसका, ग्रीन एनर्जी का। सो दोस्तों जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी हमारे कंट्री में एंड इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी एंड बहुत ज्यादा यूज होगी। तो सबसे ज्यादा जो कंपनी इसको अडॉप्ट करेगी, जो ज्यादा उस पर ध्यान देगी, उसके अंदर हम हमारे इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई होते हुए देख सकते हैं। एंड यहां पर दोनों ही कंपनी, अगर आप अपने स्टॉक की बात कर लो और दूसरे स्टॉक की बात कर लो, यानी टाटा पावर या फिर अदानी पावर, दोनों ही आपको एक अच्छे महारत पे हासिल होते हुए देखने मिल रही है। टाटा पावर के कुछ अलग प्लान्स है, अदानी पावर के कुछ अलग प्लान्स है। तो दोनों को डिटेल में हमने डिस्कस किया, यू विल फाइंड अ वीडियो इन आवर चैनल। अगर आप देखो तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ये पूरा प्रोजेक्ट आप जाकर खुद पढ़ सकते हो, बिकॉज इसको रिपीट करने से टाइम वेस्ट ही होगा एंड आपका टाइम, मेरा टाइम, सबका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। अगर हम दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ बात करें सो यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर उन्होंने रूल्स निकाले और जो क्लीन एनर्जी को
ज्यादा बढ़ावा देंगे एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर क्लीन एनर्जी का महत्व बहुत ज्यादा रखने की घोषणा की गई है। और वहीं पर मिनिस्ट्री ने फिर से एक अपडेट निकाला, उसके अंदर नए रूल्स निकाले गए जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करेंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर एंड उनको इंपॉर्टेंस देंगे। एंड सेकेंड बड़ी अपडेट यहीं से निकल कर आ रही है जो है हमारे एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू बी स्पेसिफिक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दोस्तों ये भी कई अच्छी खबर है, आप इसको भी नीचे तक पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। अगर हम बात करें थर्ड बड़ी अपडेट की तो गवर्नमेंट प्लानिंग टू इन्वेस्ट 25K मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम। सो दोस्तों 25 किलो मेगावाट एनर्जी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। सो दोस्तों अगर ये इंस्टॉल हो जाता है सो दो लोगों को फायदा होगा। सबसे पहला सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फायदा होगा और दूसरा सेक्टर जो है वो हमारे पावर सेक्टर को तो ऑब्वियसली फायदा होगा ही। अगर हम बात करें द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद 25,000 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम विच विल बी यूटिलाइज्ड बाय द अपकमिंग लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड टू बैलेंस सप्लाई फ्लक्चुएशंस एंड सो आप ये पूरा पढ़ सकते हो। एंड अभी आपने अगर मेरे वीडियोस रेगुलरली देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात रिन्यूएबल एनर्जी से आई जाती है। सो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एकदम 10 पॉइंट्स बताए थे जो टाटा पावर को डिफाइन कर रहे हैं। प्लस अगर आप देखो तो ये रूल अप्लाई होता है हमारे अदानी पावर के लिए भी, हमारे NTPC के लिए भी और बाकी जो भी स्टॉक्स आपको इसके अंदर सूट करने हैं वो, और आपके और ऑब्वियसली आपके स्टॉक के लिए भी। सो अगर हम बात करें आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करें उसको भी इसका कुछ ज्यादा ही फायदा होने वाला है क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट का एक फुल्ली पॉलिसी है। इसके ऊपर भी मैं 5 से 6 वीडियोस बना चुका हूँ, लगातार अपडेट आते जाती है। सो मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। अब दोस्तों ये वाले जो अपडेट्स हैं ये कहीं ना कहीं स्टॉक को है ना एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। दैट डजंट मीन स्टॉक डिजर्व नहीं करता है ऊपर जाना, स्टॉक डेफिनेटली डिजर्व करता है, येट दे आर क्रिएटिंग सम कॉन्शियसनेस एंड येट दे आर क्रिएटिंग सम हाइप और नर्वसनेस बिटवीन इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स दबा कर माल खरीद लेते हैं एंड वहीं पर अगर स्टॉक जरा सा भी डंप हो जाता है या फिर ऑपरेटर्स इसको जरा सा भी नीचे लेके जाते हैं सारे रिटेलर्स भाग जाते हैं और वहीं पर जो स्टेबल रह जाता है वो तो कमा लेता है, लेकिन जो डर कर निकल जाता है पैनिक सेलिंग। आई एम नॉट टेलिंग कि आपने कुछ गलती की है, आपने अपना मार्केट को फीस भरी है ताकि मार्केट आपको सीख सके। वहीं पर मार्केट ने आपको सिखा दिया, आपने जितनी भी फीस भरी, आपका जितना भी लॉस हुआ आपने मार्केट को फीस भर दी, आपको एक्सपीरियंस मिल गया, अब नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। सो पैनिक सेलिंग नेवर डू इन एनी स्टॉक और ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर तो नहीं, येट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर डिस्ट्रॉइंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द स्टॉक। बट आप जाकर हमारी पहली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है कि कौन से फैक्टर्स फाइनेंशियल्स को अफेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। सो दोस्तों ये 3 अपडेट आपको पता होनी चाहिए अगर आप शेयर होल्डर हो तो।